उज्जैन बड़नगर से लोहाना कुटी को जाने वाला एक मुख्य मार्ग बनाया जा रहा है, पर यहाँ पर भारी लापरवाही देखी जा सकती है। लापरवाही इस कदर है कि पानी का छिड़काव नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से धूल के गुब्बारे उड़ते हैं और तेज गति से चलने वाले इस कंपनी के ट्रक डंपर से धूल उड़ती है, जिसकी वजह से आगे जाने वाले यात्री परेशान होते हैं और उड़ती हुई धूल में कुछ दिखाई नहीं देता, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। साथ ही कई बार वाहन चालक गिर जाते हैं और घायल हो जाते हैं। काम भी धीमी गति से चल रहा है और इस रोड में चलने वाले ट्रक डंपर वाहन भी तेज गति से आते जाते हैं, जिससे धूल उड़ती है। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। कहाँ पर जाता है, किस प्रकार से काम धीमी गति से चल रहा है और किस प्रकार से लोग परेशान हो रहे हैं, क्या दिक्कत आती है? बड़नगर केशपुर मार्ग है, जिसकी लंबाई 33 से 40 किलोमीटर है। यह रोड 1.5 साल से बहुत धीमी गति से काम चल रहा है, जिसकी वजह से सभी आने जाने वाले को धूल का सामना करना पड़ रहा है। ठेकेदार द्वारा रोड के एक तरफ गिट्टी बिछाई गई है, जिससे गाड़ी स्लिप होने का लगातार खतरा मंडराता रहता है, जिससे बहुत सारे लोग गिरते हैं, एक्सीडेंट होने का डर रहता है और बहुत ही गति धीमी से काम चल रहा है। मेरा यही निवेदन है कि रोड की स्पीड का काम थोड़ा तेज कर और जल्दी बनाया जाए, जिससे जनता को परेशानी का सामना न करना पड़े, दुर्घटना का शिकार ना होना पड़े और धूल से परेशान ना होना पड़े। ठीक, बताइए, रोड का काम धीमी गति से चल रहा है तो क्या दिक्कत आती है, क्या परेशानी है? बहुत ज़्यादा परेशानी है, धूल भी उड़ रही है, गिट्टी भी उड़ रही है, धूल से बहुत परेशानी हो रही है, लोग बहुत परेशानी आ रही है। अच्छा, बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है। कितने किलोमीटर का रोड है, कहाँ कहाँ के लोग आना जाना करते हैं यहाँ से? करीबन मतलब 600 तक का रोड है, इससे बहुत ज़्यादा लोग आज कम से 150 गाँव के लोग आ जाते हैं। अच्छा, सारे लोग परेशान हो रहे हैं? बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अच्छा, काम बहुत धीमी गति से चल रहा है? बिल्कुल धीमी गति से चल रही है। सारे लोग परेशान हो गए इसको? 2 साल। अच्छा, 2 साल से हो। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।